नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे अपने ड्रूपल 7 की वेबसाइट में हम कंटेंट टाइप बनाते हैं, कैसे कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद कैसे उसमें कंटेंट ऐड करते हैं। कंटेंट टाइप क्रिएट करने से के लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, कंटेंट टाइप पे, ऐड कंटेंट टाइप। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ब्लॉग कंटेंट टाइप का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग फॉर ड्रूपल 7 बिगनर्स जो आप देना चाहें डिस्क्रिप्शन जी। उसके यहाँ पर आ रही है टाइटल, कि उसका टाइटल आप जैसे कोई ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो टाइटल है तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल ही रखते हैं। पब्लिश ऑप्शन यहाँ पर है, जैसे आप कोई कंटेंट टाइप ऐड करते हैं, कंटेंट ऐड करते हैं तो ये पब्लिश होगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई कंटेंट ऐड को वो प्रमोट कर होम पेज पे प्रमोट हो जाए तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए। ठीक, डिस्प्ले सेटिंग, जिस ऑथर ने कंटेंट ऐड किया है अगर उसकी सेटिंग आपको दिखानी है तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको अपने ब्लॉग पर जैसे कोई कमेंट ऑप्शन रखना है कि क्लोज करना है कि हिडन रखना है किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए, उसकी भी सेटिंग है यहाँ पर। हम ओपन रखते हैं, ब्लॉग है, कमेंट है, एक पेज पे कितने कमेंट आपको दिखाने हैं उसकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मेनू सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने ब्लॉग या कंटेंट टाइप बनाया हो उसका मेनू बन जाए तो किस मेनू में अवेलेबल होगा तो आपकी वहाँ सेटिंग कर सकते हैं। अभी के लिए हम इतनी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखते हैं और सेव एंड ऐड फील्ड्स में कर देते हैं। दोस्तों, ये पेज जो ओपन होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट और बॉडी, ये दो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आई है। ये वो चीज़ है कि आपको अपने ब्लॉग या कंटेंट टाइप में कौन कौन सी फील्ड या जो आप दिखाना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पर टाइटल है, बॉडी है, आप अब ब्लॉग है तो इसमें एक इमेजेस भी होनी चाहिए तो वो भी आप दिखा सकते हो। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ बना देते हैं ब्लॉग इमेज, ठीक है, ये मशीन नेम बन जाता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम इमेज लिए हैं तो फील्ड टाइप भी हमारी इमेज होगी। ठीक है, सेव कर देते हैं। ठीक है, ये फील्ड सेटिंग आ रही है, जहाँ हम इमेज अपलोड करेंगे उसका डेस्टिनेशन पब्लिक फाइल्स आ रहा है। दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट इमेज वो चीज़ होती है, जैसे आप कोई कंटेंट उस कंटेंट टाइप में ऐड कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इमेज नहीं अपलोड करते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज आपने लगा रखी है वो वहाँ पर शो करेगी अगर आप इमेज अपलोड नहीं करते हैं। हम इसको भी ऐसे ही रखते हैं, सेव एंड फील्ड सेटिंग। यहाँ पर देखिए, ये ब्लॉग इमेज अगर आपको रिक्वायर्ड करनी है तो आपको यहाँ चेक पे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगी, आपको इसको भरना ही भरना है। हेल्प टेक्स्ट, आप अगर कुछ हेल्प दिखाना चाहते हैं कि तो आपको यहाँ जो आप लिखोगे वो यूज़र के लिए हेल्प रहेगी, वो ये बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। अलाउ एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन जो आपको इमेज अपलोड में अलाउ करने हैं वो आप यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, इमेज है तो हम यही रखते हैं, फाइल डायरेक्टरी आप सेट कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं, मिनिमम सेट कर सकते हैं, कितने साइज़ तक की इमेज आपको अपलोड करनी है वो यहाँ सेट कर सकते हैं। करंट लिमिट ये है 512, यही रहने देते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ से इनेबल अल्ट फील्ड एंड टाइटल फील्ड इनेबल करते हैं तो ये SEO के बिहाव पर यूज़ कर होने वाली बातें हैं। अगर तो आप जब इमेज अपलोड करेंगे तो अल्ट एंड टाइटल देने के भरने के भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इमेज प्रीव्यू, आप किस इमेज प्रीव्यू में किस टाइप से, मतलब आप इमेज आपको दिखेगी एडिट करते समय, हम उसको भी देखेंगे कैसे क्या है। ये दोस्तों नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यहाँ पर आप एक ब्लॉग में कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं उसके के बिहाफ पे। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड कर दिया तो आप जितने चाहें उतने इमेज अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। हम यही लेके चलते हैं, डेस्टिनेशन हमारा ये हो गया, सेव कर देते हैं। देखिए, ये हमारा कंटेंट टाइप क्रिएट हो गया।
इस कंटेंट टाइप में और भी अगर आप कोई फील्ड रखना चाहते हैं या पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन देना चाहते हैं अपने ब्लॉग में, तो फाइल से आप कोई कुछ फील्ड बना सकते हैं, जो आप चाहें वो आप अपनी फील्ड यहाँ ऐड कर दें और अपने के ब्लॉग में शो करेगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस कंटेंट टाइप में कैसे कंटेंट ऐड करें। अभी के लिए कंटेंट टाइप हमने क्रिएट कर लिया, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नमस्कार।